दोस्तों, स्विंग किंग्स नाम से मशहूर दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेला था। उसके बाद से उन्हें दूसरा मौका नहीं मिला। पिछले 8-9 महीने से चयनकर्ताओं ने इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया है। एक युवा खिलाड़ी की वजह से चयनकर्ताओं ने इस दिग्गज खिलाड़ी से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भुवनेश्वर कुमार अब जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। बता दें कि हम यहां जिस युवा खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि अर्शदीप सिंह है। मालूम हो कि चयनकर्ता ने अब भुवनेश्वर कुमार की जगह युवा खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को मौका देना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काफी समय से भुवनेश्वर कुमार सिर्फ टी20 मैचों के लिए ही चुने जा रहे थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उनके साधारण प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने भुवनेश्वर कुमार को मौका देना पूरी तरह बंद कर दिया है। उनकी जगह चयनकर्ताओं ने अब अर्शदीप सिंह को टी20 में मौका देना शुरू कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अर्शदीप सिंह की वजह से चयनकर्ताओं ने भुवनेश्वर कुमार को मौका देना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार पहले टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पहले तो फॉर्म में गिरावट के कारण उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद वनडे और अब टी20 से पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। गौरतलब है कि भुवी ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी वनडे मुकाबला 21 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसके अलावा भुवी ने अपना आखिरी टी20 मैच 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। भुवनेश्वर कुमार ने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट में अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार दुनिया के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनके नाम टी20 क्रिकेट में 1000 से अधिक गेंद फेंकने के बाद भी कोई भी नो बॉल ना डालने का रिकॉर्ड है। भुवनेश्वर ने 1791 गेंदों में एक बार भी नो बॉल नहीं किए। उनके नाम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही भुवी ने आईपीएल में लगातार 2 बार पर्पल कप जीते थे। भुवनेश्वर कुमार साल 2016 और 17 में लगातार 2 बार पर्पल कप विजेता रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर भुवनेश्वर कुमार पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।